guys, this is Aarti and you are most welcome to my channel Learn Lively. So today I'm going to share with you all a very quick recipe which is milkmaid sandwich. तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. इसको बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. हमें चाहिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस, मिल्कमेड, ये आप मिठाई मेड के नाम से अमूल का आता है वो भी ले सकते हैं और आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं. अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कॉमेंट्स कीजिए, मैं जल्द ही कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. और हमें चाहिए बटर, आप इसकी जगह देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. तो आइए देरी ना करते हुए फटाफट हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें लेना है मिल्कमेड और इसको हमें डालना है ब्रेड के ऊपर इस तरीके से. ये आप सुबह ब्रेकफास्ट में या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं. बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. अगर आपको कभी कुछ हल्का मीठा खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं. ये बिल्कुल मिठाई की तरह लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है. तो ये देखिए, पूरी ब्रेड पे मैंने कवर कर दिया है कंडेंस्ड मिल्क को. अब मैं इसी तरह से दूसरी वाली को भी कर लेती हूँ. फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे बिल्कुल मिठाई वाला टेस्ट आ जाएगा. अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ. ये दोनों स्लाइसेस पे लग गया है मिल्कमेड और अब मैं इसको कर रही हूँ दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर इस तरीके से. और इसको आपको हल्का सा प्रेस करना है और देन इसको भी मैंने कवर कर दिया. तो गाइस, यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है गरम होने के लिए. मैं ब्रेड पर लगा देती हूँ हल्का हल्का सा बटर. पैन पे भी मैं हल्का सा बटर इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि हमारी ब्रेड स्लाइसेस इसमें चिपके ना. और ये मैं रख देती हूँ ब्रेड को इसके अंदर. जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी हम बटर लगा देते हैं हल्का हल्का. तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप ब्रेड को सेकिए तो आप गैस की फ्लेम को लो रखें. आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है. तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी सैंडविच तो हो गई गोल्डन ब्राउन. देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी सैंडविच का. फ्रेंड्स, मिल्कमेड सैंडविच बनकर तैयार है और मैंने इसको कट कर लिया है. आप भी इस प्रकार बनाकर खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी. मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ. टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी. और प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.